नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका देखने ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी, और आज आप फिर से एक बार हमसे जुड़ चुके हैं और बिल्कुल टाइम से जुड़े हैं, क्योंकि अभी अगर आप जान गए कि आपका दिन कैसा बीतेगा तो निस्संदेह आप कुछ और सकारात्मक होकर के दिन को कैश कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है, आपके एस्ट्रो फ्रेंड का उद्देश्य यही है कि जो हमसे जुड़े वो बहुत पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ता जाए। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश हो चुका है। नक्षत्र अनुराधा योग शुक्ल तदनुसार दिनांक 13 जुलाई दिन शनिवार। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, ये शनिवार का राहु काल है। नए और शुभ काम का आरंभ कदापि न करिएगा। गोलिक काल रहेगा सुबह 6 बजे से 7:30 तक। गोलिक काल बहुत सकारात्मक समय होता है, जो शुभता चाहे इसमें अर्जित कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज के भविष्यफल की। सबसे पहले मेष राशि। आज शिक्षा क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं, सुखद यात्रा का आनंद उठाएंगे। कैरियर को एक अच्छे पड़ाव की तरफ आप ले ही गए, ये आपके लिए बहुत सकारात्मक है। मेष राशि, बिजनेस लाभ के संकेत मिल रहे हैं, फायदा ही फायदा होगा। आज निवेश का भी लाभ मिलेगा, कोई मित्र मदद के लिए आगे आएगा। मेष राशि, बिजनेस आज रुके धन की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज लाभ के अवसर नए बनेंगे, कोई मित्र मदद करेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर मेष राशि, थोड़ा सा आज रूखा व्यवहार बॉस की तरफ से हो सकता है, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, स्मूथ जिंदगी आगे बढ़ेगी। मेष राशि, 13 जुलाई शनिवार, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बढ़ेगा, समझने की क्षमता का विकास होगा। लव लाइफ बहुत स्मूथ रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, परमात्मा की खूब कृपा रहेगी। आज एक दूसरे को समझने का एक और अवसर मिलेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आंखों की तकलीफ और चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि मेष है तो बस एक प्रयोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, चीनी और पानी थोड़ा सा मिक्स करके किसी चम्मच में किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज स्वयं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं प्रस्तुत करना है। नीला रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, मानसिक रूप से प्रसन्नता प्राप्त होगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शिक्षा में आज मन लगेगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, दोस्तों का साथ रहेगा। बिजनेस वृषभ राशि, 13 जुलाई व्यापार में कुछ आज अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं, किसी तरह के कानूनी उलझनों में भी आज उलझ सकते हैं, सावधान रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर दिन बहुत अनुकूल है, आज मित्र बहुत साथ देंगे, नई नौकरी की संभावना है, दोपहर के बाद इंटरव्यूज में सफलता मिल रही है, सरकारी नौकरी लाभ के अवसर मिलेंगे, जमीन जायदाद का फायदा होगा, परिवार का सुख मिलेगा, बॉस प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि, 13 जुलाई भैया आज यहाँ पर उठा पटक ज़्यादा है, तालमेल थोड़ा सा आज कम बन पाएगा, सामंजस्य बनाने की कोशिश करिएगा। वृषभ राशि वाले दिनांक 13 जुलाई लव लाइफ मामला ठीक रहेगा, डेट पर जा सकते हैं, शादी की चर्चाएं कर सकते हैं, आज समय अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि, 13 जुलाई स्वास्थ्य
गले में आज दिक्कत हो सकती है, घुटनों की तकलीफ परेशान करेगी। उपाय क्या करना है आज? आज आटा का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? बड़बोलापन नहीं दिखाना है। सफ़ेद रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, थोड़ा सा आज मानसिक अशांति के कारण शिक्षा प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, आज मन कम लगेगा। मिथुन राशि, 13 जुलाई, बिजनेस, आज व्यापार में कुछ रुक रुक कर घाटा हो सकता है, किसी दोस्त के द्वारा धोखा मिल सकता है, थोड़ी सी तंगी महसूस होगी, कुछ काम हाथ से स्किप हो सकता है। 13 जुलाई, प्राइवेट सेक्टर। मिथुन राशि, नई नौकरी की संभावनाएं हैं, नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी, दोस्तों का साथ मिलेगा, बाहर कहीं जा सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। मिथुन राशि के लिए धन लाभ के संकेत मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा रुककर आज बॉस के साथ कुछ बहस हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे रूड बिहेवियर करेगा, थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन, दिन बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत बढ़िया बनेगा, कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है, कुछ उपहार का आदान प्रदान हो सकता है, पति पत्नी मस्त रहेंगे। लव लाइफ, स्थिति थोड़ी सी टफ होगी, किसी बात को लेकर गर्म बहस हो सकता है, एक दूसरे के साथ तालमेल की बहुत कमी रहेगी। मिथुन राशि, आपस में आज सामंजस्य बनाने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने आप को संयत रखना होगा। स्वास्थ्य, आंख और पेट की तकलीफ आज परेशान करेगी। उपाय के तौर पर किसी सफाई कर्मचारी को नमक का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज कुपथ्य नहीं खाना है। बैंगनी रंग शुभ है, 53% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, रुके काम आज बन जाएंगे, शिक्षा में मन लगेगा, कहीं नई जगह पर एडमिशन होगा। 13 जुलाई, कर्क राशि, व्यापार, व्यापारी घाटे की भरपाई आज कर सकते हैं, कुछ बड़े अनुबंध आज मिल सकते हैं, माता पिता का सहयोग मिलेगा, कोई मित्र भी आज बहुत मदद करेगा। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, बॉस प्रसन्न रहेगा, कहीं यात्रा पर भेजा जा सकता है, दिन अच्छा बीतेगा। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पर कुछ स्थिति टफ हो रही है आज, एक दूसरे के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, बॉस आज नाराज रहेगा। दाम्पत्य जीवन, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, स्मूथली आप आगे बढ़ेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाएगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और अब दाम्पत्य जीवन, मिला जुला करके आज खुद को बहुत तरोताज़ा और पॉजिटिव रखना है। लव लाइफ, किसी के द्वारा षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ आज एकदम से उल्टी होंगी, सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि, क्या उपाय करना है आज? कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य से जान लीजिए, घुटनों की तकलीफ हो सकती है, एड़ियों में समस्या, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय के तौर पर चावल का दान, कच्चे चावल का दान शुभ होगा आपके लिए। कर्क राशि के बच्चों के माता पिता भी दान कर सकते हैं। क्या नहीं करना आज? आज लाल रंग नहीं पहनना है, काला रंग शुभ है, 56% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, दिन बहुत अच्छा रहेगा, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, नई कोचिंग में एडमिशन हो सकता है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल सकता है। व्यापार, सिंह राशि, थोड़ा सा टफ सिचुएशन रहेगा, पैसा ब्लॉक हो सकता है, कहीं से कोई वर्क ऑर्डर आज कैंसिल होने की संभावना बन रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नुकसान देंगी। प्राइवेट सेक्टर, लाभ के अवसर मिलेंगे,
नई चुनौती आपके लिए तैयार है। धन बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोट भी हो सकते हैं। अकस्मात कुछ विशेष आज होने की संभावना बन रही है। सिंह राशि, आज का दिन माता पिता से आशीर्वाद लेने का है। दांपत्य जीवन, लाभ के अवसर मिलेंगे, तालमेल अच्छा बैठेगा, सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के योग बहुत प्रबल है। सिंह राशि, क्या उपाय करना है बताएंगे हम। लव लाइफ के बारे में जाने तो आज शादी की बात फाइनल हो सकती है। शादी का योग चल रहा है, जो 26वें और 29वें साल में होंगे और सिंह राशि के होंगे तो इस आज से समझ लीजिए शादी का बिगुल बच गया। लव लाइफ वाले, स्वास्थ्य, हड्डियों की दिक्कत आज परेशान करेगी। क्या उपाय करना है आज। प्रातःकाल स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। क्या नहीं करना है आज, अपने मन से कोई भी फैसला नहीं लेना है। बैंगनी रंग शुभ है, 77% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, 13 जुलाई दिन शनिवार, कन्या राशि दिन बहुत अच्छा है। नई जगह पे एडमिशन हो सकता है, मन प्रसन्न रहेगा, घूमने टहलने में आज आनंद आएगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, व्यापारी घाटे की भरपाई हो सकती है आज, कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है। कन्या राशि वाले आज 13 जुलाई को बिजनेस में लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर मामला टफ है यहाँ। वैचारिक मतभेद आज बॉस के साथ हो सकता है, कोई बहुत पुरानी समस्या अचानक से सामने आ सकती है। कुछ आरोप प्रत्यारोप भी प्राइवेट सेक्टर में आज संभव है। कन्या राशि वाले सावधान रहें। 13 जुलाई गवर्नमेंट सेक्टर, कन्या राशि, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए समय अनुकूल किया जाएगा। थोड़ा सा मानसिक और भावनात्मक रूप से आज टर्बल में रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे करें क्या करें, इसी में उलझे उलझे से रहेंगे। कन्या राशि, दांपत्य जीवन, समय बहुत अच्छा है, रुके काम बन जाएंगे, पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे, पैचअप की संभावनाएं हैं, तलाक रुक सकता है। कन्या राशि, लव लाइफ, नई चुनौती मिलने वाली है, लव लाइफ पर कुछ आँच आने वाला है, सावधान रहिएगा, कोई षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, कोई दोस्त धोखा देगा। स्वास्थ्य, स्किन की प्रॉब्लम और आज बुखार फीवर जुखाम परेशान कर सकता है, उपाय क्या करना है। किसी बुजुर्ग को दवा का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज किसी बड़े से अभद्र व्यवहार नहीं करना है। बादामी रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, शिक्षा में कुछ प्रबल बाधाएं आ सकती हैं, आज शिक्षा क्षेत्र कुछ प्रभावित होगा, ध्यान से मन लगा करके शिक्षा ग्रहण करिएगा। प्राइवेट सेक्टर बताएंगे, पहले व्यापार जान लीजिए। धन के आज योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आज बहुत अच्छा वर्क ऑर्डर मिल सकता है, काम बढ़ेगा, आपका काम आपका फैलेगा। तुला राशि, आज का दिन बहुत अनुकूल होने जा रहा है, आपके लिए हर प्रकार से समय सकारात्मक है। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन को और बेहतर करने के निमित्त कोशिशें करनी होंगी। गवर्नमेंट सेक्टर, लाभ के अवसर आएंगे, नई नौकरी की संभावनाएं हैं, ऑफिशियल इंटरव्यू सफल होगा। दांपत्य जीवन में आज कुछ उलझनें आ सकती हैं, आपसी तालमेल की कमी रहेगी। तुला राशि वाली महिलाओं के लिए आज एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लव लाइफ, स्थिति बहुत अच्छी है, कदम बढ़ा सकते हैं, लाभ के अवसर मिलेंगे, शादी तय हो जाएगी। तुला राशि, स्वास्थ्य के हिसाब से आज माइग्रेन की समस्या हो सकती है और हड्डी और शोल्डर्स वगैरह में पेन हो सकता है, उपाय बहुत अच्छा आपके लिए बताते हैं। गौ माता को हरा चारा दे दीजिए आज, अगर तो समझिए सब कुछ सकारात्मक है। हरा चारा ना मिल पाने की स्थिति में रोटी भी दिया जा सकता है। क्या नहीं करना है आज,
आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है, हरा रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, धन की कमी से आ रही शिक्षा में बाधा दूर होगी। एजुकेशन लोन आज मिल जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, कहीं नई जगह पे एडमिशन के लिए समय अनुकूल है। व्यापार 13 जुलाई, वृश्चिक राशि, बिजनेस में निवेशक मिल जाएंगे, धन का लाभ होगा, कुछ गुना आज बढ़ के मिलेगा, निवेश का लाभ होगा, लोन पूरा हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, वृश्चिक राशि, 13 जुलाई, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में आज मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ आपके विरुद्ध षड्यंत्र आदि गहरे हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, लाभ के अवसर मिलेंगे, लोन सैंक्शन होगा, मकान का लाभ मिलेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा। वृश्चिक राशि, 13 जुलाई, दिन शनिवार, दाम्पत्य जीवन, मामला थोड़ा सा आज टफ हो सकता है, एक दूसरे के प्रति तालमेल अच्छा बिठाने की कोशिश करेंगे लेकिन मुश्किलें ज्यादा रहेंगी। वृश्चिक राशि, लव लाइफ बहुत अच्छा सिचुएशन है, मन प्रसन्न रहेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के साथ वैभवशाली व्यक्तित्व का आनंद उठाएंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य, घुटने की तकलीफ आज परेशान करेगी, कुछ आंखों में भी आज प्रॉब्लम हो सकती है, पेट को लेकर के तो खैर जन्मजात ही परेशान है आप, उपाय क्या करना चाहिए आज के दिन, आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ की शरण में रहें, सब व्यथा दूर हो जाएगा। क्या नहीं करना है आज, जल्दीबाजी नहीं करना किसी भी निर्णय में। ऑरेंज कलर शुभ है, 55% का भाग्य साथ देगा। धनुराशि, मन प्रसन्न रहेगा, शिक्षा में बहुत मन लगेगा, रुके शिक्षा को आज गति प्रदान कर सकते हैं। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, नया व्यापार आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है, पार्टनरशिप में आज मुश्किलें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, बॉस आज चेंज हो सकते हैं, बाहर जाकर के नौकरी कर सकते हैं या बाहर भेजे जा सकते हैं। धनुराशि, 13 जुलाई, गवर्नमेंट सेक्टर, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जमीन जायदाद का फायदा होगा, नई प्लानिंग्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बॉस प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच रिश्ते के मधुर होने की आज गारंटी है, एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा बिठाएंगे, आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लव लाइफ थोड़ा सा मामला क्लिष्ट है, लव लाइफ में आज बाधाएं आ सकती हैं, आज लव लाइफ प्रभावित हो रही है, सावधान रहिएगा। धनुराशि, स्वास्थ्य के मामले में आज बैक संबंधी दिक्कत हो सकती है, डिस्क आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, और धनुराशि वालों को आज अपने आप को बहुत प्रसन्न रखना है। धनुराशि, क्या उपाय करना चाहिए, भगवान श्री गणेश का ध्यान करिएगा और हो सके तो आज पीला कपड़ा पहनिएगा। क्या नहीं करना है, किसी बड़े को जवाब नहीं देना है, पीला रंग शुभ है, 61% का भाग के साथ देगा। मकर राशि, क्या बात है भैया, आज का दिन तो आपका दिन कहा जा सकता है, बहुत अच्छा दिन रहेगा, बड़ा मन लगेगा आज पढ़ने में, आज मित्रों के साथ गैदरिंग कर सकते हैं, आज थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं, मिला जुला करके आज फुल एंजॉय करना है जो स्टूडेंट्स हैं, और जिससे
शाम होते होते खूब मन लगा करके स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करिए। ठीक, बिजनेस, नए निर्णय लिए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में परिवर्तन, रुक जाइएगा। गवर्नमेंट सेक्टर, मेहनत बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, आज ठीक ठीक चलेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। लव लाइफ, थोड़ा सा मामला टफ हो सकता है। लव लाइफ में आज किसी तरह की प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य के मामले में घुटने की तकलीफ और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है आज? आज सफ़ेद कपड़ा धारण करिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने मन से कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा। सफ़ेद रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, 13 जुलाई शनिवार, शिक्षा में आज आनंद आएगा। खूब उछल उछल कर, कूद कूद कर पढ़ाई करेंगे, मतलब चहक चहक कर आज जो पढ़ेंगे समझ में भी आएगा। बड़ों का साथ बना रहेगा, माता पिता को गर्व होगा। व्यापार, बिजनेस की स्थिति अच्छी है, डामाडोल स्थिति से बाहर निकलेंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज कुंभ राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर, मामला थोड़ा सा टफ है। प्राइवेट सेक्टर में समस्या गंभीर हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं जो आपको अकस्मात परेशान करें। प्राइवेट सेक्टर, कुंभ राशि, आज का दिन आपका दिन है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ जांच वगैरह में उलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज पति पत्नी के बीच तालमेल को एडजस्ट करने में बहुत सारा समय बीतने वाला है। आज पत्नी जो कुंभ राशि की है, ऐसे पति बहुत सावधान रहे, और जो पति कुंभ राशि के हैं उनकी पत्नियां सावधान हो जाएं। सिचुएशन दोनों स्थिति में टफ है। लव लाइफ, रेट पर जा सकते हैं, शादी की बात फाइनल हो सकती है। कुछ धन के लेन देन को लेकर के लव लाइफ प्रभावित हो रहा है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य, आज थोड़ा पेट की दिक्कत रहेगी, गैस की प्रॉब्लम, कुछ कब्ज एसिडिटी परेशान करेगा। उपाय क्या करना है आज? आज कोशिश करिए किसी जरूरतमंद को खाना खिला दीजिए। क्या नहीं करना है? आज के दिन दूसरों की कमाई पर ध्यान नहीं देना है। पीला रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, दिन प्रभावित होगा थोड़ा सा, शिक्षा संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है। किसी अजनबी की वजह से थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे। व्यापार, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, कुछ परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी, धन का लाभ होगा, लाभांश शाम तक बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, अच्छी सी नौकरी चलेगी, बाधाओं से बाहर निकलेंगे, बॉस का विश्वास जीतेंगे। सरकारी नौकरी, मामला थोड़ा सा टफ हो सकता है आज। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अनचाही सी परेशानी आ सकती है, कुछ लेन देन को लेकर के मुद्दा उठ सकता है। दाम्पत्य जीवन, समस्या गंभीर है। आज मैरिड लाइफ में पति पत्नी के बीच तालमेल बिल्कुल ना के बराबर बैठेगा। दिनांक 13 जुलाई, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है जो आज किसी भी प्रकार से शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। लव लाइफ, बहुत अच्छा समय रहेगा, तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। अपनी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर कुछ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज मीन राशि वाले 13 जुलाई को माइग्रेन की समस्या से उलझ सकते हैं, कुछ पेट की दिक्कत हो सकती है, उल्टी दस्त की शिकायत भी आज हो सकती है। मीन राशि, क्या उपाय करना चाहिए आज? आज आप सबको
गौ माता को हरा चारा देना है, क्या नहीं करना है आज, दूसरे के घर का भोजन आज नहीं करना है। स्लेटी रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके सानिध्य में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज दिनांक 13 जुलाई का भाग्याक्षर। जानकारी और 15-16 को आप हमसे कोटा में मिल सकते हैं और बाकी समय आप गाजियाबाद मिल सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है मुंबई वाला प्रोग्राम कैंसिल है। तो आप 14 तक कभी हमसे 13-14 आज और कल गाजियाबाद। फिलहाल जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, राक्षर वृषभ, चा मिथुन, भाक्षर कर्क, छोटा आ सिंह, धाक्षर कन्या, ड तुला, छोटा आक्षर वृश्चिक, ज धनु, चाक्षर मकर, शा कुंभ, छोटी ई अक्षर और मीन त। ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं। 24 घंटे के लिए इन्हें लिख करके अपने पास रखिए लाल रंग की कलम से और देखिए दिन कैसा ऐतिहासिक जाता है। आइए जानते हैं आज की सक्सेस की कम एग्जाम टिप। दाहिने हाथ की छोटी उंगली से नाभि छू करके 3 बार ओम जपना है, समय हो तो 7 बार जप लीजिएगा, दिन का शुभारंभ करिएगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और देखिएगा थोड़ी देर में ज्योतिष जराहट के कार्यक्रम में दाहिने हाथ के अंगूठे के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। ज्योतिष जरा हटके आपका अपना कार्यक्रम और मिलते हैं आजकल परसों गाजियाबाद। नमस्कार, श्री राधे।